नमस्कार मित्रों, यदि आपके पास मंत्रा का फिंगरप्रिंट डिवाइस है और 206 का एरर आ रहा है तो आज के इस वीडियो में कंपनी के द्वारा कैसे समाधान बताया जाएगा सब कुछ इस वीडियो में सुनाने वाले हैं, जो कि कंपनी ने खुद बताया 206 अगर एरर आ रहा है तो किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, और कंपनी के कस्टमर केयर ने क्या बताया सॉल्यूशन सब कुछ जानते हैं। लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे प्यारे दर्शकों से अनुरोध है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मंत्रा से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपकी कॉल कतार में है, हमें आपको बताते हुए खुशी हो रही है। हमारी सेवा बेहतर करने के लिए अब हम हमारे नए सहायता नंबर थैंक यू फॉर स्टेइंग कनेक्टेड टू मंत्रा। हेलो जी सर, नमस्कार। हेलो जी, नमस्कार, मंत्रा से बात कर रहा हूँ। डिवाइस में क्या दिक्कत आ रही है अपने को? सर डिवाइस में 206 लिखा हुआ आता है सर, सिस्टम नॉट फाउंड है सर। मंत्रा का L1 है सर। L1 है, कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज करते हो डिवाइस को? AEPS के लिए। AEPS के लिए? हाँ, मैं उसमें लिखा हुआ आता है -206 आधार सिस्टम आधार। सीरियल नंबर बताइए, सीरियल नंबर बताइए डिवाइस का। 8476 8476 6। ओके, मोबाइल में यूज करते हैं हम। 206 लिखा हुआ आता है सिस्टम डिटेल नॉट फाउंड। एक काम करिए, जो मंत्रा का जो आड़ी सर्विस है, मंत्रा 110 आड़ी सर्विस, उसका वर्जन कौन सा है? मंत्रा का वर्जन कौन कौन सा है ये पूछ रहे हैं आप? मंत्रा का डाउनलोड किया है सर, मंत्रा का L1 वाला सॉफ्टवेयर। हाँ, कौन सा वर्जन है वो चेक करो ना सर पहले। हाँ बता, एक मिनट सर। मंत्रा L1, हाँ ठीक है, ऐप को ओपन कर लिया। वर्जन में लिखा हुआ है सर 110। दोबारा इंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करो। एक मिनट सर, कर लेता हूँ, अनइंस्टॉल कर दिया, ये इंस्टॉल हो रहा है सर। डाउनलोड हो गया सर, इसको अलाउ कर दें सभी को। अलाउ करो। हाँ अलाउ कर दिया सर। अब यहाँ पे लिख, अलाउ कर लिया। हाँ प्लीज वेट, वाइल वी क्या बता रहा है, रिस्टार्ट कर लेना एक बार। ओके, और उसका जो आईडी सर्विस का क्लियर डेटा क्लियर किया जाए ना वो कर लीजिए, और फिर सिस्टम डिवाइस को मोबाइल। एक्चुअल प्रॉब्लम होता क्या है सर, ये क्या चीज प्रॉब्लम है सर? 206 महीना सिस्टम डिटेल आरटी सर्विस अपडेट का बता रहा है ये 206 का। ओके, जो पुराना आरटी सर्विस होता है उसको अपडेट करके नया वर्जन करना है अपने को। ओह अच्छा, आरटी सर्विस पुराना रहने से ये प्रॉब्लम आता है क्या?